जिला परिषद कांगड़ा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव के लिए शनिवार को रखी बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से अब 1 फरवरी को पुनः बैठक रखी गई है। कोरम पूरा होने के लिए 36 सदस्यों की जरूरत थी, लेकिन भाजपा की तरफ से 33 सदस्य ही मौजूद रहे। हालांकि भाजपा ने दावा जताया कि उनके पास 35 सदस्य हैं, जिनमें से 33 मौजूद हैं और 2 अभी सामने नहीं आना चाहते। ऐसे में कोरम पूरा न होने के चलते अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। कांग्रेस की तरफ से कोई भी पार्षद बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचा। देखिए, ओथ के बाद आज पहली बैठक थी जिसमें जिला परिषद कांगड़ा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना था, लेकिन 54 मेंबर की जिला परिषद है और आज सिर्फ 33 उपस्थित थे और जो कोरम है हमारा 36 का होता है, इस वजह से आज इलेक्शंस नहीं कराए जा सके। और अगला जो नोटिस जो हमने दिया हुआ है मेंबरान को वो 1 तारीख को है और 1 तारीख को 1 फरवरी को सुबह 11 बजे दोबारा ये प्रोसीडिंग शुरू होगी और अगली बार जब ये बैठक होगी, जब प्रोसीडिंग चलेगी, जो कोरम होगा वो सिर्फ मेजॉरिटी होगी, तो अगली बार का कोरम 36 न होकर अब 27 होगी और आने वाले समय में देखते हैं किस प्रकार से जो प्रोसीडिंग है आगे बढ़ती है। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार।